कैमसे बोलिए, मेरा नाम है सागर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ होम वर्कआउट सीरीज जिसका नाम है रिबूट। रिबूट प्रोग्राम मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैंने डिजाइन किया है। एंड गाइस, ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि ये प्रोग्राम के थ्रू मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करो होम वर्कआउट के थ्रू। एंड गाइस, आज ये लास्ट डे है, डे 4 है। गाइस, रिबूट सीरीज को फॉलो करने के लिए आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको डंबल की जरूरत पड़ेगी, ना आपको स्पेशलाइज मशीन की जरूरत पड़ेगी। ऑल यू नीड इज रेजिस्टेंस बैंड जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं भी, या लोकल मार्केट पर भी मिल जाएगा आपको काफ़ी सस्ते दाम में। सो आप रेजिस्टेंस बैंड से काफ़ी अच्छा वर्कआउट निकाल सकते हो। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैं वर्कआउट का लिंक दे रहा हूँ, वर्कआउट प्रोग्राम का लिंक दे रहा हूँ, तो आप फ्री में इजीली डाउनलोड कर सकोगे। एंड गाइस, मेल फीमेल दोनों के लिए स्पेशलाइज डिज़ाइन किया है मैंने वर्कआउट, पूरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेस्ड बनाया प्रोग्राम को, तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। 6 to 8 week प्रोग्राम है, फॉलो करो। एंड जो भी आपका रिजल्ट हो मुझे कमेंट में बताना, आप फॉलो कर रहे हो तो अभी मुझे बताना। एंड अगर आप PDF को डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर सारा चीज़ लिखा है, कब आपको रेस्ट लेना है, कब कौन से दिन आपको वर्कआउट करना है, कौन से दिन कौन सा वर्कआउट करना है, सारा चीज़ अंदर लिखा है। एंड गाइस, आप चाहो तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, कब आप चाहो तो रेस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से, आप देख लेना। बट PDF में आपको सारी चीज़ मिलेगी, कौन सा वार्मअप है, कौन सा वर्किंग एक्सरसाइज है, कौन से दिन कौन सा वर्कआउट करना है, सारा चीज़ है। तो PDF को डाउनलोड करो, वर्कआउट करो। तो चालू करते हैं आज का दिन, डे 4, लास्ट डे, लेट्स गो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। और आज का वर्कआउट करने से पहले हम फटाफट से वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप में हम परफॉर्म करेंगे हेड रोटेशन, हैंड रोटेशन, रिस्ट रोटेशन, और ये तीनों एक्सरसाइज के आपको 15-15 रैप परफॉर्म करने हैं दोनों डायरेक्शन में। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे केबल रोइंग। केबल रोइंग में आपको वार्म अप की तरह लाइट वेट लेना है और आराम से 15-20 रैप परफॉर्म करना है, अच्छे से फोकस करके परफॉर्म करना होगा आपको। सो गाइस, उसके बाद हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, वो है फॉरवर्ड स्विंग और लैटरल स्विंग। ये दोनों एक्सरसाइज के आपको 12-15 रेप परफॉर्म करने हैं। सो गाइस, एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म मत करना, वार्म अप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपके वर्कआउट के लिए। वार्म अप आपको इंजरी से बचाने का काम करता है, तो वार्म अप को सीरियसली परफॉर्म करना, अच्छे से परफॉर्म करना। सो गाइस, उसके बाद हम वार्म अप एक्सरसाइज लेंगे, वो है 90-90। एंड गाइस, डे 2 के वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है किस तरह आपको फुट पोजीशन होना चाहिए, किस तरह ये एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करना है। तो डे 2 की वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज, वो है स्क्वाट। स्क्वाट के आपको 15-20 रेप परफॉर्म करने हैं टोटल 2 सेट्स के लिए। एंड गाइस, अगर आप बॉडी वेट के 15-20 रेप आराम से परफॉर्म कर पा रहे हो, कंफर्टेबल परफॉर्म कर पा रहे हो, तो आपको रेजिस्टेंस बैंड लेना है। एंड गाइस, रेजिस्टेंस बैंड आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से ले लेना। एंड उसमें भी आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। एंड अगेन, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने क्लियर कट सबको समझाया है क्या प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है और किस तरह आपको अप्लाई करना है। तो इसमें भी आपको अप्लाई करना होगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड, हर वीक थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की आपको ट्राई करना होगा। एंड गाइस, जिस तरह मैं स्क्वाट कर रहा हूँ उसी तरह आपको करना है, आपके बैक को स्ट्रेट रखना है और आपको स्ट्रेट ही नीचे आना है, अपने बैक को फोल्ड करके परफॉर्म मत करना, वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो मैं जिस तरह परफॉर्म कर रहा हूँ उसी तरह आपको एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। सो गाइस, उसके बाद हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, वो है पुशअप्स। पुशअप्स के आपको 5-25 रेप परफॉर्म करने हैं टोटल 2 सेट्स के लिए। एंड गाइस, कईयों को पुशअप्स काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज लग सकती है, किसी से 5 रेप ही लगेगा, किसी से 25 रेप लग जाएगा, तो आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से देख लेना। एंड सो अगर आपने पुशअप्स किया और आपसे सिर्फ 5 रेप लगे तो आप ट्राई करना, अगले वीक जब आप ये एक्सरसाइज करो तो आपसे 6 रेप लाने की ट्राई करना, उसके अगले वीक 7 रेप लाने की ट्राई करना, और इस तरह प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना, धीमे धीमे अपने रेप को बढ़ाते जाना। एंड अगर आप 25 रेप आराम से परफॉर्म कर रहे हो तो आपको रेजिस्टेंस बैंड लेना है, मेरी तरह आपको एक्सरसाइज करना होगा रेजिस्टेंस बैंड के साथ। एंड आपको ट्राई करना होगा, आप हर वीक थोड़ा हार्ड वाला रेजिस्टेंस बैंड लेके एक्सरसाइज कर पाओ और 25 रैप लाने की ट्राई करो, तो इस तरह आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे ये एक्सरसाइज के अंदर में। सो गाइस, पुशअप्स के बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बेंट ओवर रोइंग। ये एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपको बेंट होना पड़ेगा। कई लोग 90 डिग्री जितना बेंड होकर एक्सरसाइज करते हैं, कई लोग 45 डिग्री एंगल जितना बेंड होकर एक्सरसाइज करते हैं। मैं पर्सनली 45 डिग्री एंगल को बेंड करके इतना एंगल बना के मैं एक्सरसाइज करता हूं, तो मुझे काफ़ी अच्छा स्टिमुलेंट मिलता है, काफ़ी अच्छा मुझे माइंड और मसल कनेक्शन मिलता है। सो गाइस, आप जब पीछे की तरफ आप जब कॉन्ट्रैक्शन मोशन में आओ तो अच्छे से 1 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, फील करना है। एंड इस तरह आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करना पड़ेगा। आप मेरे को अब मुझे देख सकते हो मैं किस तरह एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूं, और ये एक्सरसाइज के आपको 15-20 रेप परफॉर्म करने हैं टोटल 2 सेट्स के लिए। सो उसके बाद हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, वो है लैटरल रेज। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर के लैटरल पार्ट को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेगा। ये एक्सरसाइज के आपको 20-25 रेप परफॉर्म करने हैं 2 सेट्स के लिए। एंड गाइस, ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको जो रेजिस्टेंस बैंड को पैर के नीचे इस तरह दबा लेना होगा और कुछ इस तरह स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होगा। गाइस, ये एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करना एंड माइंड मसल कनेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना और अच्छे से परफॉर्म करना, तो ही आपका मसल डेवलपमेंट आपको देखने मिलेगा। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बाइसेप्स कर्ल। ये एक्सरसाइज को आपको लैटरल
कंटेस्टर रेस की तरह परफॉर्म करना है। रेजिस्टेंस बैंड को आपको पैरों के नीचे दबा लेना है और इस तरह कुछ आपको एक्सरसाइज करना होगा। सो गाइस इसमें एक चीज ध्यान देना, आपको टॉप में आके 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे से होल्ड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्क्वीज करना है मसल को एंड फील करना है, ताकि आपके जो बाइसेप मसल में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टिम्युलेंट मिले एंड आपका मसल ज़्यादा ग्रोथ हो। तो होल्ड पे ज़्यादा फोकस करना एंड गाइस रेजिस्टेंस बैंड आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से ले लेना एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे भी इस पे ध्यान देना, सारे एक्सरसाइज पे आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना है। तो सो गाइस आज की हमारे जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप्स पुश डाउन, और इसे परफॉर्म करने के लिए आपको डोर अटैचमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एंड आपको इस तरह आपको डोर अटैचमेंट को आपको आपके दरवाजे में लगा लेना है और कुछ इस तरह आपको परफॉर्म करना है। रेजिस्टेंस बैंड आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से ले लेना एंड गाइस ये एक्सरसाइज पे एक ध्यान देना, आपको पूरा नीचे तक आना होगा एंड पूरा ऊपर तक आना होगा, ताकि आप अच्छे से स्ट्रेच कर पाओ और कॉन्ट्रैक्ट कर पाओ मसल को, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मसल ग्रोथ दिखे। तो कई लोग पार्शल रैप लगाते हैं तो वो काफ़ी गलत हो जाता है, तो आपको पूरा नीचे आना है पूरा ऊपर तक आना है, तो आपको दोनों मोशन में आपको स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट फील हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मसल गेन मिले। तो आज के लिए इतना ही। तो यहाँ पे हमारा जो रिबूट सीरीज है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वर्कआउट प्रोग्राम अच्छा लगा हो, रिबूट सीरीज अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करना एंड गाइस अगर आप ये प्रोग्राम को फॉलो करने वाले हो तो कमेंट में मुझे प्लीज़ बता देना। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे आओ, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं आपका आंसर करूँगा, क्वेश्चन का आंसर करूँगा, तो इंस्टाग्राम पे आ जाना। यहाँ कहीं पे आपको आईडी दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो फॉलो करो जाओ वहाँ पे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।